अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हो? सब बढ़िया। अब ये तो सब्सक्राइबर बताएंगे भाई, आप लोग बताओ। अच्छा, मैं तो सही हूँ, पूछो आप सही हो। अरे मम्मी, आपकी कल की वीडियो में बड़े बेहतरीन बेहतरीन कमेंट आए। मम्मी जी आई लव यू। और मैं तो कमेंट ये मम्मी जी के लिए करती हूँ। मैं वीडियो तो देखती हूँ, बोलो अभी आप ही अच्छी लगती हो, लेकिन मम्मी जी बहुत अच्छी लगती है। और दिल बिना बना के दिए हैं। अरे निभा चुप। दिल बना बना के दिए आपके लिए, ये दिल मम्मी के लिए है। पता नहीं क्या क्या सबने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मैं भी बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मुझे इतना प्यार दे रही है, मैं बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो आप प्यार करते हो तभी तो आप उनके लिए आती हो, इतनी मेहनत करती हो। हमारे लिए भी आती हो, ऐसी बात नहीं है। अच्छा 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 ठीक है भाई, सुन लो भाई, सुन लो, खुश हो जाओ। अरे आप लाइक क्या है ये बता। लिबा चो, जब जब प्यार प्यार करती है, सब्सक्राइबर सब प्यार कमेंट करती है, तो मुझे बहुत प्यार लगता है। ऐसा लगता है अपने सीरियस वाला। अब तो और कुछ हो जाएंगे अभी जी, हम आपके सीने से लगना चाहते हैं। लिबा नहीं, चुप। बच्चों के लिए गरम गरम पूरी, गरम गरम टिक्की। अच्छा, गरम गरम टिक्की खा ले। अच्छा, दिखाओ, खोल के दिखाओ। वाओ, अच्छा वो चटनी वटनी डलेगी इसमें? हाँ, चटनी डलेगी इसमें। अच्छा अच्छा दो दो टिक्की लाइयो। मैं पहले सबके लिए, बाबू सबके लिए खा लेना, इसी में खा लेना सब। ठीक है, चटनी डालो। मम्मा डालोगे? चटनी डालो, डालो मैं बल्कि सोच रही थी, मेरे को पता क्या याद आ रहे थे, टिक्की नहीं, वो जो आप वो लेकर आते ना वहाँ से, वो आलू के बरे, वो मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो आलू के बरे वाला आया नहीं है। अच्छा, मैं सोच रही थी आज आयरा की छुट्टी है ना, तो इसे अल्लाह अल्लाह के ट्यूशन भेजूंगी। तो मैं दिल में सोच के बैठी थी कि मम्मी से कह दूंगी, मम्मी वापसी में ना क्या कहते वो लेके भेज देना इसे, और आप आओ तो आप भी आ जाना। अरे रुक जाओ तो, लेकिन आप टिक्की ले आएंगे अभी तो। हाँ, इनको मिर्च लगती है। आयरा और लिबा इसमें खा लेंगे। हाँ, मीठू मीठू। लिबू जाओ, मीठू मीठू खा लो। मीठू मीठू लिबू खा लो। नहीं, उन्हें नहीं खाना। चलो मम्मा आप खाओ ना। नहीं नहीं, मैं और आप इसी में खा लेंगे। आयरा चम्मच दे दो दादी को। अरे खाओ खाओ, हम दोनों इसी में खाएंगे। ठीक है, मैं इसे नहलाने ले जा रही थी, अभी पानी तो बंद करने गई थी। हाँ बस अभी ये खा के फिर नहा। चलो फिर कुछ और। और मम्मा बताओ, ये झोले में क्या है? इस झोले में क्या लाई हो, शॉपिंग करके आई हो? क्या अमरूद भी लाई हूँ। अच्छा, अमरूद अमरूद आ रहे हैं साथ में, क्या अमरूद बहुत ज्यादा फेमस है। ओहो, कितने मोटे मोटे अमरूद हैं, देखो। सही बात है, ऐसा लगता है सबको बुला के ला। हाँ, कभी यहाँ है तो बुला के ला भाई जी, यहाँ के मेहमान। यहाँ के इसने तो किस कर ली। लिवा क्या करा है आपने अमरूद के साथ? एक 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 है। दादी सारी तुम्हारे लिए लाई है, एक मतलब सभी तुम्हारे। और मिर्च लाए, मसाला लाए आज। अच्छा, मिर्च मसाला। अच्छा, ये ओ बेटे मम्मी, कितनी मिर्ची है ये? 1 किलो है। ओ मसाला निकालो, मत मिर्ची हो जाएगी फिर। अंदर 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 1 किलो। ये 1 किलो मिर्ची इतनी सारी होती है? ओ ये लावी ने पीस होगी है, सुखा के। हाँ मम्मी घर में ही पीसती है। तो मम्मी आप भी चक्की पे से क्यों नहीं ले लेते, क्यों इतनी मेहनत करती हो? चक्की वाला? अच्छा, मैं तो देती। अच्छा, मुझे तो बहुत धसक आती है, मैं तो खास खास के छींक छींक के मर जाऊँ। आपको हैबिट है ना, हम लोग का हैबिट नहीं है। हम तो मिर्च कर लेंगे सारे में, हमारे मिर्च हो जाएंगे, हम पागल हो जाएंगे। नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। अरे ये बॉल है क्या? है बॉल है, बॉल है, अभी बताती हूँ। चलो जी ठीक है, और सब बढ़िया? और अपने सब्सक्राइबर से आपको कोई बात करनी है? मम्मी को एक कमेंट पसंद। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मम्मी को एक कमेंट पसंद नहीं आया, तो मम्मी उस पर खुद ही बात करेंगी। कमेंट ये था, मैं बता देती हूँ कि आप अपनी बहू की वो इसलिए करती हैं, मतलब चापलूसी, कह रहे थे क्या कह रहे थे, ध्यान रखती हैं।
कुछ ऐसे करके, हाँ एक तो भाग गया कहीं दूसरी ना भाग जाए, तो ये मम्मी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो अब आप क्या कहें, अच्छे अच्छे कमेंट करा करो, अच्छे अच्छी सही बात है भाई, ऐसे कमेंट मत करो, सही बात है। भागने वाले तो कोई रुक सकती, कोई कोई गाड़ी रुक सके, मुझे भाग जाएगा, जिसे रुकना ही नहीं है वो नहीं रुकेगा, रुकना नहीं है, और जिसे रुकना है रुकना है उसे, तो वो तो भाई परेशान दुखी मुसीबत से कैसे भी रुकना है, और भगना तुम कैसे कुछ रखवाली करो कुछ भी करो, वो तो भगना तो भगना ही है उसको, सही जाने तो किसी का नसीब ले जाएगी, उसमें भगते भगते होंगे, सही बात ऐसा होता है उनके यहाँ, तो सही बात है। और सबसे मेन चीज है कि हम कुछ बताते ही तो नहीं है, और ना हम बताना चाहते हैं, हमारे साथ में ठीक है, और नहीं तो क्या, बस तो किसी के साथ में बुरा नहीं था, सही बात है, हम अपनी गारंटी दे सकते हैं और किसी की नहीं दे सकते, छोटी बुरी रास्ता पे जा रहे हैं भाई, सही बात है, जाओ बुरी रास्ता पे जा रहे हो, अच्छा ही भरी थाली में लात मार मार जाओ, कोई पर वो ना, सही बात है, कोई किसी को वो नहीं कर सकता, उनकी माँ करती होंगी तो उन्होंने किया है, तो करने दो, हम उसका नाम लेने नहीं चाहते, सही बात है। और आप हमें बार बार जो ना ऐसे कमेंट कर करके याद भी मत दिलाया करो, क्योंकि एक इंसान पहले ही दुखी है, और ऊपर से मम्मा ये गुआवा काट देना, इसके लिए हाफ काटना, आपको भी खाना है, तो जो हम कैसे कैसे हम अपनी लाइफ में वो कर रहे हैं, हाँ, और आप लोग फिर कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट कर देते हो, तो भाई जो है हमने झेला है ना, हमें पता है, तो हम आपसे जब हम अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे, अपना दुख शेयर नहीं कर रहे, तो फिर आप क्यों वो कर रहे हो, तो इसलिए बेहतर है कि इन चीजों में मतलब हमसे बात करो, हम अच्छी अच्छी बात करो, और बस बोला, बस सही बात, अच्छे अच्छे कमेंट करो, बढ़िया बढ़िया, हमें अच्छा लगे, मम्मी कमेंट सुनती हैं, मम्मी मैं भी मम्मी को कमेंट सुनाती रहती हूँ, और हिना बाजी भी बताती हूँ मम्मी को, तो सब बताते रहते हैं, तो मम्मी खुश होती हैं, तो बस मम्मी को मैं चाहती हूँ कि आप लोग मम्मी को जरा भी दुख ना दें, मम्मी को ये पसंद नहीं आया था, तो इस बारे में मम्मी को बात करनी थी, तो मैंने कहा चलो अब आप कर लो, और मम्मी की प्लीज बात की रिस्पेक्ट करना, और इस तरह की कोई भी कमेंट ना किया करो, स्पेशली मम्मी और बाजी को लेकर उसके बारे में मत किया करो, हाँ, और स्पेशली मम्मी और बाजी के लिए, मेरे लिए आपको जो कहना है कह सकते हो, कोई मैं दिक्कत मैं बुरा नहीं मानती, ठीक है कर लो, लेकिन मम्मी और बाजी और बच्चे ये नहीं आने चाहिए किसी भी मामले में, तो बस इतना ही आप लोगों से कहना है, समझदार लोग समझ जाएंगे, और जिन्हें नहीं समझना फिर वो नहीं समझेंगे, फिर क्या ही करें, हमारी लड़कियां जो बिल्कुल नहीं बुराई करती, बिल्कुल भी अपने ससुराल की कुछ इतनी सी बात नहीं कहती है, और दो तीन बात में मुझसे करके बस फैसला खत्म कर मम्मी इसी गम में रह जाती है कि पता नहीं, हाँ। नहीं बाजी की गलती भी तो है, बाजी तो बोलती भी कम है, उनसे ज्यादा बात होती भी नहीं है, वो ऐसी नहीं है हम लोग की तरह खूब मजाक की खूब बोलना, ये वो ऐसी शांत रहती है, गलत बात निकल जाएगी डांट देगी फौरन, ऐसे नहीं, तुमने ऐसा बोला ऐसा, हाँ। अब मेरे मुंह से एक दिन निकल गई, मैंने कि इसके आहिल के पापा आए ना आए, ऐसे बोल रही है मम्मी, ऐसा मत बोलो, अच्छा नहीं लगता भैया, मैंने बोला सही बात है भैया, अच्छा नहीं पसंद नहीं है उसको बोलना, बदतमीजी बोलना, ना वो करती ना उन्हें पसंद, बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसके सासू माँ, और वो खामोश हो जाती है, उन्हें कोई बात किसी की पसंद नहीं आती, वो चुप हो जाती है, नहीं मैं मुझसे भी कुछ बात हो जाए तो मुझे डांट देती है, दो तीन बात करती है वो, मैं यही मुझे अरमान है, ऐसी लड़कियां होती है, दो दो घंटे बात कर लेती, तो वो मम्मा थोड़ी बातूनी भी तो होती है ना, अब ये तो है ही नहीं बातूनी, दो चार बात अपने एक आध कोई कर ले लड़की, बस बच्चे से मैं पूछ लूंगी आयल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सो रहा नहीं सो रहा, इतनी बात होती है मेरी, 5 मिनट मैं सबसे बात करती हूँ, बहुत 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 करती, मेरी भतीजी है मुझसे बहुत बात करती है, मैं बहुत खुश हूँ, और सब बात बताती है मुझे, सारी बात मुझसे पूछती भी है बताती भी है, मैं उससे ही बड़ा मन में रहा, और मेरी बेटी है ना यहाँ की ना माँ करेगी, और फिर ससुराल वालों को तो बड़ी इज्जत देवे, वो बिल्कुल बात नहीं करती, किसी होना भी यही चाहिए, अपने सास ससुर सब नंद कोई भी है घर में परिवार में सब है, सही बात है, वो लड़कियां ही मुझे गलत लगती हैं जो अपने ससुराल वालों को गालियां पढ़वाती हैं, कितनी संस्कारी लड़की है वो भी, बहुत ज्यादा है, सही है, अच्छाई की तरफ जाती है, बुरी बात किसी को ठेस ना पहुंचे, सही बात, मैं सासू माँ के पास बैठे एक आध घंटा बैठ लो भैया, बैठ के आओ दो एक आध घंटा बैठ करो उनके पास, अपने फिर अपने बाद में आया करो, सोने बैठ ले लिए उनके पास भी बैठ जाकर, जी भैया हर कोई चावे में बैठे, सही बात नहीं भैया, परिवार लेके चलने वाली है, हमारी बुलबुल है ऐसे ही सारे कुछ लेकर चलती है, सबको सबको संभालती है, मुझे तो चापलूस का वो ले दे रहा है, तारीफ नहीं कर रही है, सीख लिया होगा पता नहीं, हमारी लड़की ने सीखा होगा जहाँ से देखा है, किसी और का देखा होगा, उसके दिमाग में बात बैठ गई है, तो वो इस तरह से चलती है,
मेरा उसे सिखाया नहीं है कुछ भी। जेमी ने कहा तू ऐसा करना वैसा करना, मैंने कुछ भी नहीं बताया, ना बताती भी नहीं हूँ ना बताऊँ, वो खुद ही कर लेती है, खुद ही कर लेती है। और ऐसी ज्यादा बोल ना पता नहीं, और बच्चों को लेनाना धुलाना सब कुछ करना सब आता है उसमें, तो वो ऐसी ना लड़की। नहीं मेरे पास ना कमेंट ये भी आते हैं कि आपके लड़के वो मेरे बुराई फेंक कहीं पसंद नहीं। हाँ ये तो है, ये लोग तो चिल्ला देते हैं दोनों। नहीं जैसे कि जब मैं ये बात इन लोगों से शेयर कर चुकी हूँ कि जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो इन्होंने मतलब पहली बार ही ऐसी कोई बात हुई थी तो इन्होंने तभी मना कर दिया था, मुझसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछा फिर मैं किससे कहूँ, तो दीवारों से बोलो और बेड से बोलो, अलमारी से बोलो, जिससे मर्जी बोलो, मुझसे मत बोलो। लेकिन हाँ उन्हें पसंद नहीं है। लेकिन मम्मा ये बात फिर यहाँ भी वो होती है कि आप लोग भी अगर कोई बात कहते हो तो वो आप लोग की भी नहीं सुनते, किसी की भी ना वो ना मेरी सुनते ना, हाँ वो ना आप लोगों की सुनते। ये नहीं कि बहुत से लड़के होते हैं माँ बहनों की सुन रहे, बीवी की सुन ही नहीं रहे, ऐसा भी नहीं है। ना वो बीवी की सुन रहे, ना वो माँ की सुन रहे, बहन की सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे। हमारे पड़ोस में भी लड़की है, वो कोई बोलता चलता नहीं है, वो कह रही कि मेरी वो है हॉस्पिटल है, वो बारे हम गए उसमें कौन सा आवा पेट में ही, जब उसे दिखाने के लिए गए। अच्छा यही वाला, अच्छा हाँ कुछ है ना धड़कन, हाँ हाँ धड़कन, हाँ हाँ राधे राधे पता नहीं, हाँ कुछ ऐसी है, हाँ सही है। तो उसमें वो कह रही मुझे भैया उसमें लगवा दो, गुड्डू की जानकारी है। अच्छा कह रही भैया वही उसमें लगवा दो, तुम्हारी जानकारी हो। अब गुड्डू ने जानकारी उसे लगवा दिया, मैं बात करवा कर। मैं कह रही मेरे की गुड्डू तेरे मतलब कोई तो बोले ना, तो उसे ना जी बोले ना कोई बोले, तू मेरे की लड़की लगवाई आया। मम्मी चुप हो जा, हमारा क्या किसका, हमने काम कर दिया किसी का, बोलना कर रहा ना कर रहा, हम तो कर दे सबका सब सबका भलाई चाहते हैं हमारे बच्चे, किसी के पेट कपटी ना बुराई करने वाले, ना ऐसा तीनों ही एक से ज्यादा बकवास ना करे, ज्यादा बोलते भी ना, ना किसी की बुराई भलाई ना अपने घर वालों की ना, हाँ वो अलग ऐसा हमारे घर में चक्कर नहीं है ना, हम बोलते हैं ना वो बोलते, अच्छी बात कोई कर रहा, शांति का माहौल पसंद है। मैं चुप हो जा, चुप हो जा बस, चुप हो जा बस, चुप हो जा, ज्यादा मत बोलो, तू चुप हो जा, तू भी चुप हो जा, चुप चुप करते रहने सारे कोई कुछ ना बोले। सही है मम्मा, तभी तो इतनी जो कोई है अपने हाल में रह दे दो इसे, वो बहू है जैसे रह रही है वैसे रहने दो, कुछ मत कहना, तुम बना लो अपने आप, तुम कर लो अपने आप, मत कहना मत, कहना मत, बस हमने यही सोच गया हम अपने आप कर लेते कुछ कर रहे, तब भी तो चैन, तब भी चैन, सही बात है, चैन ना मिला। लोग समझते नहीं, लोग सोचते हैं अपनी तरह, जैसे और लोगों के घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, अभी इन्हें पता गया कि हमारे घर में कितनी बर्दाश्त की गई है, एक भी धपे लड़ाई नहीं हुई किसी से भी, लड़ाई हमारी वजह से नहीं हुई, हुई है लड़ाई है लेकिन हमारी वजह से नहीं हुई, बक रही है तो हम अपने चुपचाप सुन के देखते हैं, बक रहे हैं बकने दो, बक रही कभी तो बकाई चुपचाप हो जाएगी, शांत हो जाएगी, मगर फिर भी चैन नहीं। अभी क्या करा जाए, सही बात, जैसा कोई है वैसा, कई राड़ पसंद है तो राड़ में चैन ना, सही बात, तो साथ में लगा दो कोई, एक पापा है वो भी चुप चुप, लल्ला वो भी चुप, और मैं कह रही थी भैया तुम भी बाहर जाओ, मैं चुपचाप बैठी हूँ। वो ऐसा होता है ना, जब इंसान बोलता जाता फिर वो और बावला सा हो जाता है, वो पता नहीं क्या क्या कर जाता है, तो कह रही सुन नहीं है तो और सुनाओ और ज्यादा वो छत पे चढ़ जाए और सबसे मोहल्ले में डंका पीटो भैया। ये बहुत से लोग को ये लगता है ये इज्जतदार है ना, तो इनकी इज्जत उछालो। अच्छा हाँ इज्जत, हमारी तो इनकी तो क्या इज्जत हो रही, कोई इज्जत ना करे, इनकी हमारे तो इतनी इज्जत है, इसके पापा के गए जिस गरीबों को निकल रहा है सलाम इस्लाम करते, जो किसी को ना करेंगे इनको सारे सलाम करेंगे, मैंने देखा। अरे मैंने वो देखा है जैसे ये पार्सल वाले आते हैं ना, तो जो नया आएगा मैं कहूँगी राज रेडीमेड क्रश, फिर कहेंगे अच्छा कहाँ कहाँ, मैं कहूँगी राज टेलर, अच्छा राज टेलर वो तो हमें पता है।